नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शिवजी भट्टाचार्य। आप लोग देख रहे हैं शुभ टीवी। देखिए, जो लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब करना आप भूलना, बेल आइकन जरूर प्रेस करना। इससे क्या होगा, मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड करूँगा फ्री नोटिफिकेशन चलेगा, और लाइक शेयर कमेंट करना आप भूलना बिल्कुल फ्री। चलिए तो फिर शुरू करते हैं। देखिए, आज आपको बताऊँगा डिज़ायर। ठीक है, आपके पास कुछ डिज़ायर रहता है कि मेरे पास बंगला हो, गाड़ी हो, मुझे नौकरी मिल जाए। और कुछ लोगों की इच्छा पूरी हो जाती है और कुछ लोगों की इच्छा पूरी नहीं होती, इसके बारे में बताऊँगा। देखिए, जब हम इंसान जन्म लेते हैं उसको डिनोट करता है मास। ठीक है, फर्स्ट हाउस होता है काल पुरुष का, हमारा जो फर्स्ट हाउस दिखाता है अपने आप को दिखाता है। ठीक है, लगन जो होता है वो डिनोट, वो जो लगन होता है वो मास मेष राशि से डिनोट करता है। ठीक है, और आपका एट हाउस हमारा मृत्यु का भाव होता है, जो स्कॉर्पियो राशि आता है, स्कॉर्पियो राशि के लॉर्ड बनते हैं मास। तो जन्म मृत्यु का जो भाव है, ये जो इच्छा है, इसको कंट्रोल कर रहा है मास। और जब आप एट हाउस जाएंगे तो आता है आपका थर्ड हाउस का कारक होता है मास। तो आपके लाइफ में जितने सारे जो ख्वाहिश होता है वो मास लेके आते हैं। आप किसी व्यक्ति का मास अगर बहुत ज़्यादा कमज़ोर है तो उसके पास डिज़ायर इच्छा कम होता है। ठीक है, और जब डिज़ायर कम होता है तो इंसान नेचर को सरेंडर कर लेता है, और वो जो होता है साधु सन्यासी इस तरह के इंसान बन जाता है। कहीं ना कहीं ये जो लाइफ है वो लाइफ पूरा करता है, लाइफ का हर हिस्सा पूरा हो जाता है, और आगे जाके वो जाके साधु संत बन के वो अपने इस लाइफ को जर्नी को पूरा करके देह को, अपने शरीर को छोड़ के परमात्मा के साथ मिल जाता है। ठीक है, अब जिस व्यक्ति की मास बहुत एक्जॉल्टेड है, मतलब उच्च का है, ठीक है, अच्छी राशि में प्लेस है, तो क्या होता है, इंसान के पास ख्वाहिश बहुत होती है, एक के बाद एक बहुत ज़्यादा ख्वाहिश होती है। तो मास इतना स्ट्रांग होगा आपके लाइफ में ख्वाहिश बहुत ज़्यादा होगा। आपको दो चीज़ देखना है। ठीक है, आपके पास कितने ज़्यादा ख्वाहिश जाएंगी। थर्ड हाउस से मास कहाँ पर बैठा है, ठीक है, थर्ड हाउस से अगर केंद्र में बैठा है तो आपके पास ख्वाहिशें बहुत ज़्यादा होगी। थर्ड हाउस में केंद्र अगर थर्ड हाउस में बैठा है मास, उसके बाद आपके सिक्स हाउस में, आपके नाइन हाउस में, 12 हाउस में बैठेंगे तो आपके उश बहुत ज़्यादा रहेंगे। ठीक है, ज़्यादा उश मतलब ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा, और जब आप मृत्यु के कगार पे आएंगे आपके अगर उश फुलफिल नहीं होगा तो फिर से आपको रीवत लेना पड़ेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं, आपके पास ख्वाहिश है, ख्वाहिश जब पूरी होती है वो हम 11 हाउस देखते हैं, इच्छा पूर्ति के हाउस। ठीक है, अब जो 11 हाउस होता है इसको डिनोट करता है आपके जुपिटर। अब जुपिटर जितना ज़्यादा स्ट्रांग रहेगा इंसान के पास इच्छा फुलफिल होने के चांसेस बहुत हद तक बढ़ जाते हैं। अब जब भी जुपिटर की दशा आएगी आप कुछ देखेंगे, आपकी जितनी सारी इच्छाएं हैं तब आपको इच्छाएं पूरी होने लगती है। ठीक है, तो आपके आपके लाइफ बिगर होने लगता है, बड़ा होने लगता है हर एक चीज़। ठीक है, हाँ, ख्वाहिशें पूरी होना विश फुलफिलमेंट बहुत एक खुशी की बात होती है। रीज़न रहता है कि देखिए, फैमिली से आपको सपोर्ट नहीं मिलता, फैमिली से आपको इतना ज़्यादा प्यार नहीं मिलता, फैमिली का कुछ हो जाए, इतना जो आपके ख्वाहिशें रहते हैं वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं, फैमिली से भी ज़्यादा, अपने आप से भी ज़्यादा। ठीक है, जब आपको पहला जॉब मिलता है आपकी मेहनत की वजह से, या फिर बिजनेस बहुत ज़्यादा तरक्की हो जाए, तो जो खुशी मिलती है उस चीज़ का मज़ा अलग होता है। तो वो चीज़ पूरा करते हैं आपके जुपिटर। जब भी 11 हाउस से केंद्र में बैठेंगे, मतलब 11 हाउस में बैठे हैं, ठीक है, 11 हाउस के साथ आपके पर सेकेंड हाउस में, आपके यहाँ पर सिक्स हाउस में, फिफ्थ हाउस में, आपके यहाँ पर एट हाउस में जब भी बैठेंगे तो केंद्र से, मतलब 11 हाउस से केंद्र में, तो वो बहुत ज़्यादा होता है। अब यहाँ पर आपको देखना है, अगर मास ज़्यादा स्ट्रांग है तो आपकी ख्वाहिश ज़्यादा रहेगी, अगर जुपिटर बहुत स्ट्रांग है तो आपकी ख्वाहिश कम रहेगी, ख्वाहिश से बहुत ज़्यादा फुलफिलमेंट बहुत ज़्यादा होगा। आपको देखना है कि कौन कौन सी दृष्टि है, कहाँ से दृष्टि आ रहे हैं, 11 हाउस पर कौन सी राशि बैठी है, कौन सी दृष्टि है, उस तरह से होगा। अब दो चीज़ें यहाँ पर ख्याल रखना होगा, आप जब भी अष्टक वर्ग पर जाएंगे, अष्टक वर्ग पर आपके जितना ज़्यादा बिंदु आपके थर्ड हाउस पर होगा, और कम अगर आपके 11 हाउस पर, तो क्या होगा, 11 हाउस पर कम बिंदु में ख्वाहिश बहुत ज़्यादा होगी, आप ख्वाहिश को पूरा नहीं कर पाएंगे। अगर 11 हाउस में ज़्यादा बिंदु रहेगा, थर्ड हाउस में कम, तो आपकी सारी इच्छा, विश फुलफिलमेंट सब कुछ पूरा होगा, आप कुछ सोचे भी नहीं फिर भी बहुत सारी चीज़ होने लगेगा, इस तरह से होगा। और जब आपकी इच्छा पूरी हो जाएगी तब आप यहाँ से आपके कर्म से आगे जोड़ लेंगे और आप नेक्स्ट बस की तरफ जाएंगे।
अब देखिए, अगर आपके मास बहुत ज़्यादा वीक है, आपके नाइन हाउस में शनि का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है, तो कहीं ना कहीं इंसान जो होता है साधु संत बन जाता है। ठीक है, सबसे बड़ा योग में से एक होता है। अब आपके मास बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, इसके साथ साथ थर्ड हाउस में मास के साथ सूर्य के कोई ना कोई करेक्शन बन रहा है, तो इंसान के पराक्रम से हर एक ख्वाहिश पूरा करने लगेगा, इंसान के पराक्रम बहुत ज़्यादा होगा। तो अब देखिए, थर्ड हाउस अगर स्ट्रांग है, सेवन हाउस स्ट्रांग, इलेवन हाउस स्ट्रांग है, तो इंसान कुछ भी कर सकता है अपने हर एक ड्रीम को पूरा करने के लिए। स्टेज पे जाके परफॉर्मेंस करना, लोगों के साथ बातें करना, हर एक चीज़ कर सकता है। अब देखिए, मास अगर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, बहुत ज़्यादा पीड़ित है, तो इंसान अपनी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए एक्सट्रीम लेवल तक जा सकता है, गलत कार्य भी कर सकता है। ठीक है, तो आपको देखना है जो आपका जो मास है वो कैसा है, किस तरह से बैठा है, आपके जुपिटर कहाँ बैठे, आपकी इलेवन हाउस कैसा है, इस सबको पता चल जाएगा कि आपके जो इच्छा बहुत ज़्यादा है क्या है, इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी होगा। देखिए, ये तो अलग सा वीडियो, पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट करना भूलना। आप लोग मुझे फेसबुक इंस्टाग्राम पर बहुत आसानी से फॉलो कर सकते हैं। वीडियो देखने बहुत बहुत शुक्रिया।